चल रही है। आप लोग फील कर रहे थे होंगे कि भाई रोज हमें मीटिंग बुला ली जाती है पार्टी की, आपको मालूम होना चाहिए। हालांकि हमारे साथी ने आपको बता दिया है, इन्होंने बोला कि बाकी निर्देश जो बहन जी की तरफ दिए गए हैं वो माननीय प्रभारी जी बताएंगे, लेकिन बता दो उन्होंने सब दिए बचा दो कुछ तो साथियों 30 तारीख और 31 तारीख को आज 1 तारीख है। कुछ दिन पहले हम साथियों को बहन जी ने बुलाया था 19 तारीख को और सारी जानकारी कैसे उन्होंने बताई थी, नोट कराई थी। उसी क्रम में जैसा कि आपको पता है कि बहन जी का जन्मदिन आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में, जन कल्याणकारी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाते हैं। वो कार्यक्रम चल रहा है, उसका एक लक्ष्य दिया गया था पूरे स्टेट के लिए दिया, पूरा देश के लिए दिया गया है। हमारे साथी ने यह भी बताया है कि इसकी जरूरत क्यों है, पार्टी को आर्थिक सहयोग की जरूरत क्यों है, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता। उन्होंने बता दिया है कि चुनाव पे पूरे देश में खर्चा होता है, हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज तक की सारी बातें आ चुकी है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस साथियों ने इस प्रोग्राम को गंभीरता से लिया और आदरणीय बहन जी के जन्म दिवस को खूब धनधान से सहयोग किया है, तो उन सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का अपनी ओर से, साथियों की ओर से और पार्टी की तरफ से धन्यवाद प्रेषित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों ने कोशिश अच्छा किया है, जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है कोशिश हमारी जारी है आप लोगों के सहयोग के साथ दिल्ली को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर आया। हमारे साथियों ने बताया मेरा जीवन इस देश में बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने में और ऐसे इलाकों में जहां पर पूरा रेगिस्तान होता है और उस एरिया में मैंने हरा भरा करने का काम किया, संकल्प को खड़ा करने का काम किया और मेरी कार्यशैली से हमारी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भली भांति परिचित है। काम बन जाता है, जमीन उपजाऊ हो जाती है, वहां दूसरे लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। क्या ये आसानी से इस क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे, हरा भरा कर देंगे, रिजल्ट देंगे? लेकिन जहां से मैं छोड़ के आता हूं, लगभग पता चला कि वहां मेरे आने के बाद फिर वो रेगिस्तान बनाने में लोग महारत रखते हैं, चौपट हो जाता है, फिर मुझे वापसी वहां जाना पड़ता है। साथियों में हरियाणा में भी रहा हूँ, मध्य प्रदेश में आज देख ही रहा हूँ मैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बहुत उड़ीसा में नहीं, बहुत क्षेत्रों में मैंने काम किया। आज आपके बीच में हूँ, बहुत कुछ आप लोग आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सी कमियां दूर हो चुकी और मैं समझता हूँ उसके बाद भी मैं देखता हूँ बहुत कमियां अभी बाकी। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे तो मन का फेर। हमारे तमाम साथी कार्यकर्ता कम नेता ज्यादा बनते हैं और वो भी दिल्ली है, और दिल्ली में तो बादशाह ही रहते हैं, नीचे कोई रहता नहीं, वो किसी के अनुशासन को नहीं मानना चाहता, वो बोलता है कि मैं ही सब कुछ हूं। साथियों ये इस चीज को हमें त्यागना पड़ेगा, हमें यहाँ दिल्ली स्टेट में अपनी बहुजन समाज पार्टी में पाकिस्तान भी दिखाई पड़ता है, हिंदुस्तान जैसा भी भाव दिखाई पड़ता है। अब लोग आप, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन तो करूंगा नहीं, लेकिन आप बुद्धिजीवी साथी समझते हैं, अगर ये चीज पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला खत्म के पूरा भारत वर्ष के रूप में मिलकर काम करें तो ये दिल्ली प्रदेश आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि भाई इसको हम करके दिखाएं, इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। कोई भी कार्यक्रम होता है कोई ना कोई चीज कमियां आ जाती है, कमियां आ जाती हैं,
मैं चाहता हूं कि उन कमियों को पहले तो मैं अपने साथियों पे छोड़ता हूं पूरी जिम्मेदारी को कि आप लोग पूरी फुर्तीली जिम्मेदारी के साथ इस काम को अंजाम दें। लेकिन जब मैं देखता हूं उधर जाके परीक्षण होता है कहीं ना कहीं उसमें कमियां रह जाती है। अब मैं सोचता हूं कि चूंकि अब आप उस सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं अब हमारी पार्टी खाली वोट बढ़ाने काटने की वाली पार्टी नहीं है, अब हम सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कमियां भी छोटी छोटी हैं वो कमियां दूर होनी चाहिए। जिस तरह से कार्यक्रम होता है आयोजन दिल्ली में छोटा बड़ा कार्यक्रम दिल्ली की स्टेट बैठक होती है और भी कार्यक्रम बड़े होते हैं पब्लिक मीटिंग भी होती है स्टेट बैठक होती है उसमें हम देखते हैं कि हम लोग सारा कार्यकर्ता आ जाते हैं व्यवस्था बनती रहती है पूरी हो नहीं पाती। आज भी मैंने देखा कि तस्वीरें भाषण शुरू हो गया तस्वीरें हवाई हैं। कभी महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये कमियां दूर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए हाथ खड़े करके करें। तो इसके लिए मैंने व्यवस्था आज बना रहा हूं। हालांकि करते वही लोग हैं मैं अलग से नहीं जोड़ रहा हूं। अब कोई भी दिल्ली स्टेट का कार्यक्रम स्टेट का हो हॉल में हो डोर में हो डोर जहां भी हो वो कार्यक्रम की व्यवस्था में सर्वप्रथम एक कमेटी मैंने बना दी है। वो कमेटी में श्री राम गुलाम आजाद कहां है राम गुलाम आजाद जहां भी उनका तालियों से वेलकम करो क्योंकि वो हर कार्यक्रम को करवाते हैं। इनके साथ ही योगेश जाटव ये भी नहीं है अभी इधर पीछे पीछे है देखिए वो पीछे दोनों लोग पीछे हैं मुझे लगता है आगे 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 जाना चाहिए आगे आ जाओ। और दिल जी हमारा जो कार्यक्रम हमारा पार्टी का स्टेट का ऑफिस है ये करोलबाग क्षेत्र है ये करोलबाग की नैतिक जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। तो इधर का जो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है श्री शीशपाल सिंह है कि शीशपाल सिंह है जिला अध्यक्ष है। एक है हमारी पार्टी के सुशील भंडारी जो आप देखते हैं अगर आपको झंडा बैनर कोई जरूरत आवश्यकता पड़ेगी तो ऑफिस का जो सचिव होगा वो और एक मनोज जाटव कौन है विधानसभा अध्यक्ष है ये जिम्मेदार साथी है। इनको आधिकारिक रूप से कोई भी कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम के ये समिति के पूरे बराबर के हकदार हैं और ये मिल करके और इसको संचालन का भी मैं देख रहा था अभी थोड़ी थोड़ा डिस्टर्बेंस फील कर रहा था आप लोग भी देख रहे होंगे किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। तो हमारे जो सुरेंद्र कलोरिया जी हैं इन्होंने भी बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और दूसरे स्टेट को बिलोंग करते हैं इनका भी कोई रिश्ता नाता यानी दोस्ती का मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि संचालन का काम जहां भी होगा सुरेंद्र कलोरिया जी करेंगे आप लोग इनका और ये लोग इस टीम के साथ और मेरे ये चार आदमी हम लोग श्री सीपी सिंह जी वीरपाल सिंह जी और ये हमारे सुरेंद्र चौधरी साहब इनके बीच में सारा डिस्कशन करके पहले एक दिन पहले कि किसको बुलाना है क्या सिस्टम होगा पूरी पार्टी के अंदर कहीं भी ऐसा नजर नहीं आएगा ये पार्टी नाड़ियों की पार्टी है। अब हम बहुत सीनियर पार्टी है अब हम केंद्र की सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं इसलिए साथियों आप लोग संसदीय तरफ बढ़िए आप संसदीय ज्ञान होना चाहिए आप लोग एक दूसरे के प्रति सहयोग का रवैया रखने वाले लोग होने चाहिए दूसरे को सहयोग करेंगे आपको सहयोग पूरा मिलेगा। ये व्यवस्था जो कभी मैंने फीलिंग किया है इसलिए मैंने इस व्यवस्था को अंजाम दिया है। आप लोग बैठ जाइए फिर से एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। दूसरा साथी मेरी जिम्मेदारी को बहन जी ने बड़ा करते हुए चूंकि दो तीन साल पहले मैं मध्य प्रदेश और हरियाणा का प्रदेश प्रभारी हुआ करता दिल्ली में आने से पहले फिर मेरा ट्रांसफर इधर हुआ तो उधर दूसरे साथी लोग गए। एक स्टेट में इलेक्शन हो गया है जहां पर भाई सीपी सिंह जी हम दोनों लोग गए थे वहां पर जो हम लोग जैसे मैंने अभी बताया बड़ी मेहनत से मैंने वहां एक साल से ज्यादा दिन रात करके तन मन धन से उस को जमीन को तैयार किया था और उत्तर प्रदेश से भी अगर कोई दूसरा स्टेट
अगर हो सकता है दूसरे नंबर पर जो एक नंबर पर आ सकता है वो मध्य प्रदेश हो सकता है और हरियाणा भी हो सकता है। तो मनवर काशीराम साहब ने लंबा समय मध्य प्रदेश में लगाया था, लगभग एक साल मैंने भी लगाया था, पूरा तैयार हो गया कुछ कारणों से, फिर वो मुझे इधर आना पड़ा। तो जो साथी वहां लगाए गए बड़े बड़े मठाधीश बड़े बड़े औहदों पर रहे, पार्टी का ये मानना था कि ये लोग वहां पर भेजे गए हैं और वहां पर प्रदेश में सरकार बनेगी। पूरे प्रदेश की जनता तैयार थी, पूरा बहुजन समाज का मूवमेंट तैयार था, मिशन भी तैयार था, विजन भी तैयार था, बहन जी की रीति नीति सब लोग तैयार थे। लेकिन जो जिम्मेदार साथी भेजे गए हैं उन लोगों ने जिस तरह से फसल को चौपट करते हैं जंगली जानवर, इस तरीके से उसको हमारे वोटों की फसल को चौपट करने का काम किया। ऐसे हालात किए जहां चार विधायक थे वो चारों हार गए और उसके अलावा दो नए जीत के आए हैं और वो आए हैं वो फेडरल के नहीं बल्कि वो अपने हिसाब से आए, वो हमारे क्षेत्र से जीते। तो साथियों इस तरीके से जब हालात चलेंगे तो काम कैसे बढ़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं, निष्ठा के साथ लगे हुए हैं और पूरा जीवन दिए हुए हैं, और बहुत से साथी ऐसे हैं आज भी वो अपने लिए पार्टी में लगे हुए, अपने लिए, अपने शहर के लिए। साथियों ऐसा है और दिल्ली में बहुत लोग हैं ऐसे। मुझे बताया गया कि पिछला जब विधानसभा इलेक्शन हुआ था बहुत से चेहरे मिल जाएंगे हमारी पार्टी के अंदर जिनको अगर खोजबीन किया जाए उन्होंने दूसरी पार्टियों का झंडा डंडा उठाया था। बोलो सही बात है कि नहीं है। और वो आज भी हमें, या तो वो सोचते हैं कि बहुत बड़े वो लीडर हैं, बहुत बड़े जादूगर हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ये प्रभारी बीमारी को जानते नहीं है, मैं जो है कर रहा हूं वो सच सही है। ऐसा नहीं है, मेरी चार आंखें हैं, मुझे अंदर का भी पता रहता है बाहर का भी पता रहता है। और मैं कोशिश करूंगा यदि हमारे ये आजू बाजू भाई लोग बैठे हैं ये चाहेंगे तो मैं बहुत कुछ अच्छा करूंगा, ऐसे लोगों को चिन्हित करूंगा जो लोग पार्टी के लिए कम दूसरों के लिए काम ज्यादा करते हैं। पार्टी में पद बड़ा है लेकिन जिताने के लिए रास्ता दूसरों के लिए तैयार करते हैं। यहां बहुत लोग ऐसे, ये आप लोग ये हमें बताएंगे, मेरी नजर रहेगी यदि मैं, चूंकि मेरा परमानेंट संरक्षण में जल्दी ट्रांसफर होता है इसलिए यदि मैं रहा तो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे जीवन की यही पहचान है कि मैं कार्यकर्ता के साथ मेरा संघर्ष जीवन का अंतिम पायदान पर जो कार्यकर्ता खड़ा होता है महेश आर्या उसके साथ नजर आता है। बड़े पदाधिकारियों से मेरा टकराव होता जब होता है और सैद्धांतिक होता। तो साथियों जो मेरे जिम्मेदार साथी हैं मैं उनसे फिर से अपील करूंगा कि संगठन में जिस पदों पर जो भी काम कर रहे हैं पदाधिकारी यदि आपके नियर डियर हैं रिश्तेदार हैं और यदि वो संदिग्ध हैं पार्टी के उसपे परीक्षा में खड़े नहीं उतर रहे हैं तो उनको हम बदलेंगे। उनको निष्क्रिय लोगों को बहन जी का यही आदेश है, यही आदेश है तो उसको बदला जाएगा। अगर उसमें फिर कहेगा कि भाई ये क्यों बदला जा रहा है ये तो हमारे बहुत खास है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोग साथ हैं तो मैं ऐसे लोगों को बदल सकता हूं, मैं फिर नहीं मानूंगा ना अध्यक्ष की ना प्रभारी की, मेरे अंदर यही चिंता है। तो इसलिए साथियों इक्वालिटी में चाहता हूं, न्याय से होना चाहिए। जो कार्यकर्ता वर्क करता है ईमानदारी से करता है, जिसको टारगेट दिया गया है उसने अपने भी जेब से किया है और दूसरों से भी सहयोग लिया है वो पार्टी में रहना चाहिए, पद पर रहना चाहिए। और जो दूसरों पर सवारी करता है, दूसरों पर सवारी करता है, मंच मिल जाता है बने बनाए मंच पे भाषण लंबा खींचता है तो वो फिर काम की चीज नहीं है। हम आपको बहुत मौका देना चाहते हैं, आप विधानसभा में जाइए, आप जोन में जाइए, लोकसभा में जाइए, सेक्टरों में जाइए, वार्डों में जाइए, लंबा लंबा स्पीच करिए, आपकी बेदखलता की वहां जरूरत है। वो लोग जो दूसरे दलों में उनकी बातों में बहकाने ला रहे हैं आपका जो ज्ञान कब काम आएगा, आप लोग उनके बीच में जाइए, प्रोग्राम बनाइए, धैर्य बनाइए, आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं है। आज जो मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं तो कल ही इधर आया था, मैं आपको यकीन नहीं होगा
कि बड़े विलंब से लगातार वहां चला गया 26 तारीख से बाहर मध्य प्रदेश, और वहां पर भी चूंकि बिगड़ा हुआ माहौल है, उस माहौल को कंट्रोल करने के लिए बहन जी ने मुझे भेजा। मैं वहां लगा हूं इसी तरीके से लोगों से हाथ जोड़ के, क्योंकि काम कोई करके गया, एक मछली होती है पूरे तालाब को खराब करती है, तो भरोसा जब टूट जाएगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। वहां लोगों ने जाकर के हमारी पार्टी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, भरोसा है, वो तोड़ा है। तो वहां मैं बहुत लगा रहा, जैसे तैसे वहां पार्टी पटरी पे लाया। और चूंकि 30-31 को है, तो 30 तारीख को बहन जी का फोन आ गया, मैं आपके यहाँ आने वाला था, हमारी मीटिंग थी। तो बहन जी ने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी रहे हैं वो मीटिंग नहीं कर पाए हैं, करा पाए हैं, आपको उसमें मीटिंग में रहना होगा, वो मोरेगा जिला है। मैं 30 तारीख को वहां रुका, मैंने साथियों को बोला कि मीटिंग आप करेंगे, फिर मैं वहां से चला शाम को, रात को 2-2.5 बजे घर पे आ पाया, रात को इतनी सर्दी में तबियत भी गंजाई हुई, और उसके बाद दूसरे दिन में आपके बीच में कल था। आज के लिए मुझे लग रहा था कि आज तो ज्यादा 40-50 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, दिल्ली के लोग तो बड़े बादशाह लोग हैं और बेचारे लगातार 3 दिन से परेशान है। तो आज मुझे लगा कि दिल्ली अब चल पड़ी है, एक आवाज में इतनी संख्या में लोग आ गए हैं, अब दिल्ली को कोई रोकने वाला पैदा नहीं। आज मुझे यही लग रहा था कि कितने लोग आएंगे, मैं यही लोग क्या, क्योंकि मैं इतना थकान था, मुझे बीपी जो पता नहीं दिक्कतें ज्यादा थी, तो मैंने कल यही अपने डाल दिया अपना डेरा, और फिर जो रुका मैं फिर जाऊंगा फिर सुबह आऊंगा, और इसलिए मैं आपके बीच में यही रहा। और आप लोग यहाँ आए, बड़े गौर से आप लोगों ने सुना, तो साथियों ये सारी चीज व्यवस्थित ढंग से चलाना चाहते हैं। मेरी एक टांग अभी मध्य प्रदेश और दूसरी टांग इधर है, मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, मेरी परेशानी को आप समझ सकते हैं, इसका जो भी मेरे जिम्मेदार साथी हैं, क्योंकि मैंने माहौल बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचाया, बड़ा मैंने कहा ना शीत युद्ध बड़ा पाकिस्तान हिंदुस्तान ही चलता था, और जब तक भाईचारा नहीं बनेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना नहीं रखेंगे, तो ये मिशन आगे नहीं बढ़ेगा, ये पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। हमने कोशिश किया है, कई हद तक चला आ रहा है, अब मैं काफी दिन तक मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश में, बाकी सारी पावर्स में आप लोगों को देखे रहता हूँ, आप लोगों पूरे वीटो पावर्स में प्रभारी के जो भी आप सामने सब कुछ वहीं सारे के पावर आप लोगों के अंदर, आप ऑनेस्टी के साथ काम करें। हमने इनको कल बोला मीटिंग में कि जिन लोगों ने हमको 1 रुपया से लेके 1,00,000, 1,500 जितना भी रूप से किया, वो रजिस्टर दिए गए थे, जैसी व्यवस्था थी वो रजिस्टर की में जो आए हैं रजिस्टर जमा हुए हैं, उन लोगों की सहयोग की एक लिस्ट बनाएंगे, उनके जो सामने जो मोबाइल नंबर हैं लिखे जाएंगे, वो मेरे जो कार्यालय रजिस्टर्ड में उसमें रहेगा, कोई भी सूचना होगी, क्योंकि उन्होंने सहयोग किया है, अपने पेट काट के बच्चों का, गरीब से गरीब लोगों का सहयोग मिला है, तो क्या उसको हम नजरअंदाज कर दें? नहीं। उसको नहीं भूलना चाहिए, इसलिए मैंने उनको कहा सबको एंडोर्स करेंगे कंप्यूटर में, जब भी पार्टी की छोटी मोटी कोई भी मीटिंग होती है सबको मैसेज फ्लैश किया जाएगा, सब लोगों को सम्मानित करने का काम करेंगे। उसकी एक लिस्ट भी मैं लगवा रहा हूँ, पार्टी ऑफिस में लिस्ट रहेगी कि किस आदमी ने कितना सहयोग दिया किस रजिस्टर में, जिससे कि पता चले, ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि भाई हमने वहां 500 दिए तो 500 है नहीं है। जिस तरह से कोई एक काम करता है तो एक इंडस्ट्री कोई बड़ी बिल्डिंग बनाता है तो दानदाताओं की सूची लगती है, उनके नाम रहते हैं, तो हम कम से कम पत्थर की नहीं लगाएंगे तो उसकी कागज की तो बना ही सकते हैं, जिससे वो आदमी आए देख ले। अगर ऐसा रहेगा तो विश्वास बढ़ेगा, हर कार्यकर्ता आपको जब भी जाएंगे तो आपको दोनों हाथ से देने का काम करेगा, क्योंकि वो उसका उसे पता होगा कि मेरा पैसा सही जगह पे जा रहा है, उनका रिकॉर्ड। जहां भी विधानसभा में जाता हूँ, लोकसभा में जाता हूँ, लोग कहते हैं कि मुझे सूचना ही नहीं मिलती है, मीटिंग हो रही है सूचना नहीं है, उनको शर्म नहीं आती जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं कि वहां पर प्रदेश का प्रभारी जा रहा है, प्रदेश का अध्यक्ष जा रहा है, उसको ये चिंता नहीं है कि 10-20 लोग आगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूचना ज्यादा तक ना पहुंचनी चाहिए, अगर सूचना ज्यादा आ जाएगी तो कहीं हमारी पोल ना खुल जाए, तो वो इस वजह से सूचना नहीं देते। तो इसलिए ये मेरा सख्त आदेश है कि हमारे पार्टी ऑफिस की तो सूचना मिलेगी, लेकिन जो भी यहाँ जिले के अध्यक्ष बैठे हैं,
जो उनके इंचार्ज बैठे हैं, इस कमी को अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्र में इस कमी को दूर कर दें। जिस साथी को भी, जो भी वहां मीटिंग होती है, तो जो भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, सबके साथ वो सूचना जरूर प्लस करें। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, उससे भी सूचना दे सकते हैं, टेलीफोन से भी सूचना दे सकते हैं। तो साथियों, ये चीज कमी को दूर किया जाना चाहिए। अगली बात, क्योंकि ये कैडर टाइप की बैठक है, तो अगली बात, जैसे हमारे साथियों ने बताया, बहन जी का निर्देश क्या था कि आप लोग ये महसूस करते हैं कि 15 जनवरी खत्म हो गया और मेरी जान बच गई, 15 जनवरी खत्म हो गया कि मामले टल गया, वो चूंकि यहां पर एक टारगेट दिया गया था और टारगेट्स के हम बहुत करीब करीब भी नहीं पहुंच पाए, तो बहन जी ने ये कहा, निर्देश दिया है कि ये टारगेट जारी रहेगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ गया है, तो इलेक्शन की जो तैयारी करेंगे और लोकसभा इलेक्शन के बाद भी, इस बीच में जो जिम्मेदार साथी बामसेव के या जो वरिष्ठ साथी रहेंगे, उन्हीं को रजिस्टर देंगे, जो लोग करने चाहते हैं तो उस बीच में भी उनसे सहयोग लिया जाएगा, जिससे कि हमारा टारगेट दिल्ली स्टेट का पूरा हो सके। अगला है साथियों, इस देश में सारे लोग, जितने भी बहुजन समाज से ताल्लुक रखते हैं, इससे प्रेम करते हैं, सबकी इच्छा है कि इस देश में अब की बार परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन एक सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है। आप लोगों को मैंने शायद बताया कि नहीं बताया, लेकिन चूंकि प्रकृति की बात करता हूं, आप लोग सभी लोग उस जीवन समाज में रहते हैं, प्रकृति की गोद में, जिस तरह से आप लोग देखे, ऋतुएं चार होती है, ग्रीष्म, वर्षा, जाड़ा होते हैं, चार तो ये हो गई, और एक होती है बसंत की ऋतु आती है, और जो मेरे ख्याल से अभी चली रही होगी फरवरी मार्च में आने वाली है। तो इसमें क्या होता है कि प्रकृति अपने पौधों की, जो पुराने पत्ते हो जाते हैं वो पतझड़ हो जाता है, और उसमें नई नई कोपले निकलती है और नई सृष्टि का सृजन होता है। ये प्रकृति का नियम है, ये पार्टी का या हमारा अपना नियम नहीं है। तो पार्टी में भी इस तरीके से परिवर्तन होते रहते हैं, और यही परिवर्तन देश में भी परिवर्तन होने चाहिए, होते रहने चाहिए। तो वो अब की बार देश की जनता ने मूड बनाया है कि ये परिवर्तन 2019 में बहुत जरूरी है। अब वो क्यों जरूरी है, क्योंकि इस देश में जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई थी, हमारे लोग भी बेंगाले में आए, क्योंकि वो समय लगातार 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, एक बंदा प्राइम मिनिस्टर रहा, तो वो हमेशा मुंह धारण करे रहा, जहां भी जाता था वहां भी ना तो उसकी पर्सनैलिटी नजर आती थी, ना कोई अपनी कोई एबिलिटी नजर आती थी। हालांकि योग आदमी था, लेकिन वो इतना चुंबल में था कि वो 5-7 तक लोग उसके पास यही उंगली उठाते थे कि ये तो भाई गुंगा बाबा है, कि मौली बाबा है, इस तरीके से बातें होती रही। देश जितना आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ा। उसके बाद लोग, जब दूसरा व्यक्ति आया, तो उस दूसरे व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं इस देश को बिल्कुल सही दिशा पे ले जाऊंगा, और लोगों को ऐसा लगा, क्योंकि उसने अपने बारे में बोला कि मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं कि एक छोटी जाति में पैदा हुआ हूं, नीच जाति में, और शब्द गिरा हुआ लिया था, नीच जाति में पैदा हुआ, जो हमारे छोटे तबके का जो समाज है, उनको लगा जो तो मेरा फरिश्ता आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन उस फरिश्ते का नहीं पता, क्योंकि वो उस समाज में नहीं आया। जब वो वहां सीएम थे गुजरात में, तब उन्होंने अपनी कौम को ओबीसी की लिस्ट में दर्ज करा लिया था। वो जिस तरह से एक मछुआरे टाइप की कोई खास रही बनिया, जिसको कहते हैं अपने क्या बोलते हैं, तो इस टाइप की एक कास्ट थी, और वो पैसे से बिजनेस ही करती है, बहुत फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके हाथ में पावर था, तो उसने उसको अपने अनुसूची में डाल दिया, जिससे कि लोगों के नजर में आए ये तो पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं, उसका लाभ वहां दे दिया। तो पिछड़ी जाति में गया तो उसने बोला मैं पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, और छोटी जाति में गया तो नीच जाति में पैदा हुआ, उसको लगा तो हमारा ही कास्ट का है। हमारे उत्तर प्रदेश में कई रैलियां किया, तो जहां पर साहू समाज रहता, जिनको तेली कहते हैं, राठौर कहते हैं, उनके बीच में वो राठौर ही बन गया, बोले कि मैं तो साहू समाज से, सारे तेलियों से पता किया, बोले ये तो हमारा नेता। तो वो जहां गया उन्होंने वही रंग बदला, और वो उन्हीं का लोगों को लगा कि भाई ये ठीक है।
लेकिन जब उनको पूरी मेजोरिटी मिली तो उन्होंने कसम खाई थी, जब वो संसद में पहुंचे तो दंडवत प्रणाम किया कि इसमें मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पर कभी प्रवेश करूंगा। देखिए प्रवेश करने किए तो प्रधानमंत्री के रूप में करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कसम खाई थी संविधान की इस पद पर लेने के बाद इस संविधान को अछूत रखूंगा। अगर आप खोल के निकालें तो उन्हें कहेंगे कि संविधान को अछूत रखूंगा। अछूत रखने का मतलब होता है इसको कहीं भी टच नहीं करूंगा, इसकी कहीं भी मर्यादा को टच नहीं करूंगा, होने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा। लेकिन उसी संविधान में उसकी कितना कुठाराघात कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। आज पूरा समाज एक तरफ हो रहा है, उसको उस बात की चिंता नहीं है। जो कभी खुद इतना बोला कि वो इतना ज्यादा बोल गया कि लोग उसको आप समझ नहीं पा रहे, तो भाई ज्यादा जरूर से ज्यादा बोल गया। आज उन्हीं के लोग कहने लगे हैं कि किसी के सामने इतना बोलो, वादा इतना करो जितना निभा पाओ, नहीं तो लोग फूट पड़ेंगे, तुम्हें मारेंगे। कल किसी ने बोला है, फिर बोला, तो परोक्ष रूप से उसमें पाप का घड़ा भर चुका है। अब आप थोड़ी सी चोट मारने की जरूरत है, पाप का घड़ा फूट जाएगा। पूरे देश की जनता ने तय कर लिया। लोग ये कहा करते थे कि भाई ये दलित शूद्र लोग हैं, ये क्या जाने, इन पे तो हमेशा शासक मतलब शासन किया गया है, हमेशा लोगों ने इसका शोषण किया है, शोषित लोग शासन करना कह रहे हैं। ये इस देश में चला, प्रदेश में भी चला लंबे समय से, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के लोगों ने मनवर कांशीराम साहब को समझा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को समझा और उसके अकॉर्डिंग जब उस पर रास्ते पे चल के काम किया, तो उधर उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी। और बाबा का सपना पूरे देश में लोग कहते कभी पूरा नहीं होगा, डॉक्टर अम्बेडकर जीते जी उनका सपना पूरा नहीं हुआ तो मरने के बाद कैसे होगा। लेकिन कांशीराम साहब दूसरे बाबा के रूप में उतर के आए, अवतरित हुए और उन्होंने इस तरीके से देश को और समाज को जोड़ने का काम किया। पैदल चले, जो हवाई चप्पल पे चले, हम आप काफी अच्छे कपड़े पहनते, पूरे देश में चले। मेरा सौभाग्य था कि उनके साथ भी साइकिल पे चलने का मुझे मौका मिला। तो आज देश में परिवर्तन होने जा रहा है और उसी मनवर कांशीराम साहब ने, जिसको इस देश की मीडिया और दूसरे व्यवस्था के लोग ये कहते थे कि बाबा का सपना कभी हो ही नहीं सकता, अम्बेडकर का सपना पूरा कभी नहीं होगा। तो साथियों जब भी पांच साल के बाद चुनाव होता था तो उस समय गांधी के जो लोग थे, उनको मानने वाले लोग थे, मनुवादी लोग थे, उनके घरों में शहनाई बजती थी और बाबा के घरों में क्या होता था, मातम छाता। भाई हमारे लोग सारे हार जाते थे तो हम लोग देखते थे बाबा साहब का सपना कब होगा। लेकिन इसी महापुरुष कांशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में ऐसा करके दिखाया, जब उनके घरों में मातम छा गया विरोधियों के और बाबा के घर में रोशनी छाई। आपको पता है क्या बात है, आज पूरा देश खड़ा हो गया। पूरे देश का जो हमारी बात नहीं समझते थे, जिनको समझ में नहीं आती थी, वो भी समाज में ओबीसी समाज ने जन्म लिया, वो भी अपने आप को वर्ण व्यवस्था के हिसाब से लोग उनको कहते तुम तो भाई सछूत हो, यानी कि वो ओबीसी के लोग हैं, उनके हाथ का छुआ जा सकता है, उनको चारपाई में बिठाया जा सकता है, उनके हाथ में लुटिया दी जा सकती है, उनकी उनको बिटिया भी दी जा सकती है। आपने देखा कि ओबीसी के लोगों को, कई लोगों को उन लोगों ने बिटिया भी दे दिया, लुटिया भी दिया, खटिया भी दिया। क्या भाई अखिलेश यादव जैसे जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास में पैदा हुए, उनको राजनीति में थोड़ा बढ़ गए, आगे बढ़े, तो उनको उन लोगों ने खटिया भी दी, लुटिया भी दी और बिटिया भी दे दी। उनको लगने लगा हम तो छत्री हो गए, सरकार चलाई छत्री बन के चलाई। लेकिन जब उस कुर्सी से हटे, दूसरे लोग आए, तो उन्होंने उसको पूरा गौ से, गंगा जल से, गोबर से पूरा धोया, पवित्र किया, गोमूत्र से शुद्ध किया। उस व्यक्ति को तब पता चला कि भाई मैं तो शूद्र हूं, मैंने बेशक सब कुछ ले लिया लेकिन इनका दिमाग का परिवर्तन अभी नहीं हुआ। ये ब्रेन वॉश नहीं होगा, ये ब्रेन वॉश न गाय के गोबर से होगा, न गोमूत्र से होगा, न गंगा जल से होगा, ये संविधान से ब्रेन वॉश हो सकता है, इसके अलावा कुछ चीज नहीं।
और आज इनके हाथों में संविधान पहुंच गया है, वो संविधान को तोड़ मोड़ के खत्म करना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना। इसलिए ज्यादा ना बोलते हुए मैं इतना कहना चाहता हूँ, हे दिल्ली के लोगों और पूरे देश के लोगों, इस मंच से कहना चाहता हूँ, 2019 आपका, इसमें आप पिछड़े जाति के लोग आपकी भावना को समझ चुके हैं, उनको मालूम पड़ गया कि इस देश में पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अकलियत के साथ मांग लिंचिंग होती है। जहां उनके हक की बात करते हैं तो उनको साथ मारपीट होती है, गलत दुखों में फंसाया जाता है। 2 अप्रैल को जो हमारे SC ST जो संविधान में दलितों को कवच दिया गया, ऐसी व्यवस्था की गई कि जब कोई नहीं सुनेगा तो SC ST के एक्ट के अंदर कार्रवाई उसे करनी पड़ेगी और मुलजिम होगा, दोषी होगा, अरेस्ट भी होगा, उसको पनिशमेंट भी, उसको उन्होंने चोटिल कर दिया। जब चोटिल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को भी इस्तेमाल किया, तो उसके बाद देश में एक तरह से उत्तेजना हुई। ये गर्व की बात होनी चाहिए, पहले जब भी आंदोलन होते थे तो जब दलित भाई आंदोलित होते थे, पिछड़े उनके अगेंस्ट खड़े होते थे, लेकिन ये बहन जी की कारण है, बहन जी की बदौलत है, बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट की बदौलत है कि पूरे देश में अपनी बात जो ST/SC का जो एक्ट का आंदोलन चला था उसको बचाने के लिए पिछड़े भाइयों, पिछड़े समाज के जो लोग थे, OBC के लोग खिलाफ नहीं थे बल्कि बहुजन समाज के आंदोलन के साथ खड़े थे, वो भी साथ खड़े थे, तो उनको झुकना पड़ा, उनको बदलना पड़ा, उनको विधेयक लाना पड़ा, वो तो संशोधन हो गया। अब जैसे ये खत्म हो गया, दूसरा आपने देखा होगा कल जंतर मंतर बहुत बड़ा कार्यक्रम था, पूरे अपोजिशन के लोग खड़े थे वहां, तो वहां क्या किया कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज है वहां पर जो हमारे प्रोफेसर चुने जाते हैं, तमाम प्रोफेसर बने हैं, वो भी उल्टी गंगा मारे, अब उनको अपनी छठी का दूध याद आएगा, अब उनको मालूम पड़ेगा संविधान की क्यों जरूरत है, आरक्षण की क्यों जरूरत है, इन महापुरुषों के साथ चलने की क्यों जरूरत है, क्योंकि जो बन गए वो बन गए, आगे बढ़ने के लिए रास्ता रोक गया, एक भी SC का नहीं जाएगा, एक ही OBC का नहीं जा सकता, BC का नहीं जाएगा, उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी, उसके खिलाफ भी जंग लड़नी है। तो साथियों बहुत ऐसे इश्यूज है, माताओं बहनों के साथ जो अत्याचार होता रहा, तो आप लोगों को ये बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं कि हमारा जो मूवमेंट है वो एक एक रुपया आप जो देते हैं उसका पूरा लेखा जोखा रहता है, रखा जाता है, मैं चाहता हूं कि उसमें और भी पारदर्शिता लाई जाए जिससे लोगों का विश्वास जड़े। बहन जी के हाथों में सत्ता सौंपती है, हमने उत्तर प्रदेश के लोगों ने जब उनके हाथ में मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता सौंपी थी, तो आपको ध्यान होगा कि वहां पर उन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किया, जो 50 साल से 70 साल से मतलब दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई सरकार में रहते हुए, वो बहन जी ने किया, एक इतिहास बना दिया, एक इतिहास बना दिया, ऐसे ऐसी इमारतें बना दी जो समय अकबर के काल में, मौर्य काल में, उस जमाने को बदलाव आ दिया, इतने कम समय में उसमें जमीन पे झगड़े, सुप्रीम कोर्ट के झगड़े, NGT के झगड़े, इतने केसेस होने के बाद भी बहन जी ने 5 साल के अंदर वो 50 साल का काम पूरा करके दिखाया। उनको बड़ा दर्द हो रहा है, उनके पार्क भी बनते थे, उनके महापुरुषों के स्मारक भी बनते थे, जिसे कोई अपराध नहीं था, आज भी बना रहे हैं, जितना हमारा जितने भी पार्क बहन जी बनाए, जितने भी बड़ी इमारतें बनाई है, स्मारक बनाए, और उससे पूरी सबकी जो लागत आती है उससे ज्यादा की लागत की उन्होंने एक मूर्ति स्थापित की, ठीक है ना, नाम एक मूर्ति स्थापित कर दी, काम वही कर रहे हैं उससे ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम करें तो गुना है, वो करें तो रासलीला है, भाई ये कैसा नियम है। तो साथियों उनके मन में ये चीज है, तो ये मैं कहना चाह रहा था कि अब उनको ये पता चल गया है कि जिस सूत्रों के पास बुद्धि बहुत होती है, इसके पास भी बुद्धि की कमी नहीं है, जिस दिन भी इकट्ठे हो गए तो उनकी जमीन के पीछे से पैरों की जमीन निकल जाएगी। इसलिए साथियों ये 2019 का जो वर्ष है बहुत ही ऐतिहासिक वर्ष है, इसमें चुनाव आ रहा है और इस चुनाव में परिवर्तन होने जा रहा है। हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी सभी के लिए बहनी ने जहां भी मौका मिला है हमारी पार्टी ने उनके लिए भी काम किया, पूरे देश में सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया है। तो आज जब 2019 का ऐसा ऐतिहासिक दिन आने वाला है, जब बहन जी
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पुत्री माननीय कांशी राम साहब की चेली के हाथ में इस देश की बात डूर जाने वाली है। और जिस दिन देश का सत्ता परिवर्तन होगा, ये ऐतिहासिक होगा, वो दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि उस दिन पूरे देश में उन मनुवादियों के घरों में मातम छाएगा और अम्बेडकर के घरों में फिर से रोशनी होगी, सहनाई बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अपील करते हुए कि हमारे जो भी हमारे साथी लोग हैं, जो हमारी माताएं बहने हैं, उनकी भी संख्या बराबर की होती है। हर बार मैं बोलता हूँ कि उनकी भी संख्या बढ़नी चाहिए। हम उनको मौका देते हैं, पद भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं, लेकिन वो भी सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो आगे उनकी संख्या को बढ़ाएं। सोशल मीडिया से कई माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं, लेकिन सोशल मीडिया से काम पूरा नहीं चलता। आज गठबंधन का दौर चल रहा है, सारे लोग गठबंधन पर नजर टिकाए हुए हैं, लेकिन साथियों उसमें भी हमारी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी हरियाणा में गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के हिसाब से वो सीट सबसे पहले नंबर एक गठबंधन के खाते में जानी चाहिए। लेकिन हमारे नालायक साथियों के कारण, जो सिर्फ गठबंधन की हवा गुब्बारे में भरते रहते हैं, बोलते काम करने की कोई जरूरत नहीं, गठबंधन हो गया तो हो ही जाएगा। क्या दशा हुई? उसमें ऐसी हवा निकली कि उसकी जमानत जब्त ही हो गई। तो भाई हम लोग, ये तो गठबंधन तो एक हमारी बैसाखी की तरह है, हमने कहीं ना कहीं कमजोर अपने आप को रखा है, और उसको अगर मजबूती करें, गठबंधन की कहीं जरूरत ही नहीं है। इतनी हमारा बेस वोट हरियाणा में है, अगर वही वोट डाल देता है तो उससे तो ज्यादा जमानत उसकी उसी से हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दो दल मिलने के बाद भी जमानत जब्त हुई। तो साथियों हमें खाली उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ये काम, ये विषय बहन जी का हमारे हाई कमांड का है। हमें तमाम लोग फोन कर करके सलाह देने लगे कि जिस तरह से हरियाणा में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, दिल्ली में भी करवाओ, उससे करवाओ, उससे करवाओ, फोन आना शुरू हो गए। तो भाई मैं उनसे ये कहता हूँ, हमारी पार्टी की हमारी अपनी ताकत होनी चाहिए। हमें अगर दूसरे के साथ गठबंधन में जाना भी पड़े तो कम से कम हमारी हैसियत तो ऐसी हो कि सम्मानजनक हमारे साथ को समय सौदा मिले, सीटें मिले। लेकिन जब हमारा काम दिखाई नहीं पड़ेगा तो समय पर दूसरे लोग कहेंगे एक सीट ले लो, दो सीट ले लो, तो हमारी पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज जिससे हमारी पार्टी आज जिंदा खड़ी है वो भी खत्म हो जाए। तो इसलिए साथियों ये गठबंधन के चक्कर में बिल्कुल नहीं जाना, ये बहन जी का विषय है, हमारे राष्ट्रीय नेता का विषय है। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो हर सीट पे हमारा जवान सिपाही लड़ने को तैयार होगा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। इसलिए साथियों अपने काम में जुट जाइए, और न ज्यादा बोलते हुए बस यही आपसे अपील करता हूं कि जो जो हमारे रजिस्टर जी साथियों के पास है उसको राउंड अप कराना है, वो जल्दी से जल्दी 10 तारीख की बैठक में हमारे बीच में आ जाने चाहिए। शुरुआत हमने अच्छी कराई थी, क्योंकि पार्टी लोग कहते हैं जो दिखता है वही दिखता है। लेकिन बीच में कोई हालात ऐसे बने कि न लोग वो खुद दिखाई दिए, न हमें दिखाई देने दिया, न हमारी पार्टी को दिखाई देने दिया। अब मैंने फिर से परमिशन ली है, थोड़ा थोड़ा फिर पार्टी का दिखाई देना चाहिए। तो हमने कोशिश की है कि अगले से आपकी मीटिंग अच्छी हो, आपकी भी हमारा जब एक महीने में एक मौका मिलता है तो हमारे पदाधिकारियों का स्वागत करने का, हम जैसे पदाधिकारियों को मौका मिले तो उसको भी हम सम्मान करें, मौका चाय पानी के साथ। जब आपके बीच में हम लोग जाएं तो उनका साथियों का सम्मान हो, हमारे दूसरे साथी जाते हैं, एक व्यवस्था बनी हुई है। जहां पर मैं मौजूद होगा वो कतिथि मैं होगा, और जब हमारे दूसरे साथी होंगे वो कतिथि वो होंगे, जब इनमें से भी दूसरी मीटिंग में जाएंगे जहां जोन प्रभारी होगा वो कतिथि वो होगा। ये बड़ा सिस्टम है, सबको सम्मान है बराबर। जिला अध्यक्ष जाएगा, अगर कोई वरिष्ठ पदाधिकारी नहीं है मुख्य अतिथि वो बनेगा, विधानसभा में मीटिंग होगी मुख्य अतिथि वो बनेगा, बड़ा सबके साथ सम्मान है। तो अब की बार हमारी कोशिश है कि बहन जी से परमिशन लेने के बाद भी, कि हमने सोचा कि समय कम है, मासिक जो बैठक होती है, जो 7 लोकसभा है, 7 महीने तो नहीं बचे, लेकिन जो भी मीटिंग होगी बीच में, तो उसके लिए लोकसभा के हिसाब से हर बार एक जगह मीटिंग ना हो, दूसरी लोकसभा में अगर मीटिंग हो जाए, वहां के लोग अगर तैयार हो तो उसके हिसाब से वहां भी चहल पहल हो जाए। जब स्टेट की मीटिंग अगर किसी लोकसभा में जिस दिन भी हो जाएगी आपकी हलचल हो जाए।
तो आप लोग सहमत हैं? सहमत है। पहली मीटिंग अगली 10 तारीख की कौन सी लोग सभा में रखी जाए, कौन लोग तैयार है ईमानदारी से बताओ, कौन करा सकते हैं? अभी बताइए, भर दक्षिणी दिल्ली का नाम आ रहा, बाकी और कोई है? पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी, साउथ दिल्ली में, साउथ दिल्ली के लोग पूरे स्टेट की बैठक 10 तारीख की कराएंगे। इनके वेलकम तालियों से, जोरदार तालियों से। इसी तरीके से बढ़िया व्यवस्था होगी, पूरे स्टेट के लोग होंगे, उस क्षेत्र में पूरे प्रचार प्रसार झंडी हर तरह से होना चाहिए, और उसमें पूरा माइक वाइक साउंड सिस्टम भी घुमा दो है। जितना भी आप पार्टी दिखाई देगी उतना ही आपका काम बनेगा, ठीक है? समय कम है लेकिन उन्होंने हिम्मत उठाई है, दक्षिण दिल्ली के लोगों ने। तो पहली मीटिंग हुआ होगी, अगली जब कोई मीटिंग होगी दूसरे लोकसभा में इसी तरीके से होगी, व्यवस्था के साथ होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का पुनः एक बार बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने जो भी मैसेज हमारी तरफ से बहन जी के निर्देश पालन करने के लिए आए, उन्होंने उन पर आप लोगों ने गौर किया, सहयोग किया, और इसी तरह से आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बाबा साहब।